और ये फास्ट फूड बन रहा है इधर, और ये जलेबी बन रही है बहुत सुंदर जी। ये आप सभी के परिचित श्री अमसुय प्रसाद जी कॉप से कतुड़ी जी, और ये हो रही है जलेबी की मेकिंग। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम दोनों कोबेश्वर महादेव की भूमि को मैं पहुंचे हुए हैं, और यहाँ है आज कॉप पथिक। तो बने रहे ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं पूरा कॉप पथिक का कार्यक्रम। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है मंदिर, अब दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से है प्रवेश द्वार, तो बने रहे ब्लॉग में। और लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए, भेंट वगैरह चढ़ाने के लिए, और पशुओं के लिए देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है पानी पीने की। तो हम अब पहुंच गए हैं, क्या नाम है नवीन गांव का? थान गांव बने हो? हाँ, तो थान गांव में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोग भेंट चढ़ा के आ गए हैं, क्योंकि जो भेंट का कार्यक्रम होता है सुबह से प्रारंभ हो जाता है और शाम के लगभग 5 बजे तक चलता रहता है। तो ये पहुंच गए हम, मुख्य रूप से महादेव यहाँ पर रहते हैं, विराजमान रहते हैं और समय, और मंदिर थोड़ा ही ऊपर है। तो अभी मंदिर में चले गए होंगे, वहाँ पर सब लोग दर्शन वगैरह इत्यादि करेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी जगह है कॉब, लोग दर्शन करके आ रहे हैं। अरे पहुंच के हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार में, यह मंदिर का प्रवेश द्वार। तो यह है मंदिर प्रांगण, बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। अभी तो बिल्कुल भीड़ नहीं है, अभी हम फर्स्ट आ गए हैं लगभग। अभी भेंट इत्यादि चढ़ रही है और मेले वालों की दुकानें भी लग गई। अरे खिलौने की दुकानें, महिलाएं बच्चे इत्यादि चूड़ियाँ वगैरह डाल रहे हैं सब लोग। तो ये देखिए, और ये फास्ट फूड बन रहा है इधर, और ये जलेबी बन रही है बहुत सुंदर जी। ये आप सभी के परिचित श्री अमसुय प्रसाद जी कॉप से कतुड़ी जी, और ये हो रही है जलेबी की मेकिंग। तो अभी बढ़ेगी संख्या, दिखाएंगे आपको आगे। और बच्चे देखो कैसे जलेबी का आनंद दे रहे हैं। आरव पटवाल और सारे बच्चे देखो आगे मेले में, और इस बार जलेबी खिलाई भाई साहब ने, और देखो ना। और महिलाएं करी खरीदारी, और ये देखिए दुकानें लगी हुई हैं, बहुत सारी दुकानें, और बच्चे भी खरीदारी कर रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ एकत्रित हो रही है, और हमारी प्यारी सी गुन्ना देखो, महादेव की चौकी, यहाँ पर देवता नाचेंगे। अरे भाई साहब दे रहे हैं हर माल सस्ता, बहुत भीड़ लगी है इनके यहाँ पर। और ये हमारे भाई नवीन पटवाल कुछ ले रहे हैं इधर से, देखो तो क्या ले रहे हैं आप, कौन चीज़ पसंद आती है आपको। और देखो बच्चे बहुत सारे खरीदारी कर रहे हैं, तो देखते हैं नवीन को क्या पसंद आता है। ये रामपुरी दिखा दो, रामपुरी। तो चाकू के रेट बहुत महंगे हैं, और महिलाओं के लिए बहुत सारे सामान, चूड़ी फुंदड़ी। और नवीन पटवाल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा है कुछ, नवीन को लेना चश्मा। अरे वो तो 80 वाला दे रहा था उधर, कोई नहीं 80 ले लो, 80 ले लो। चश्मा लगाओ ना भाई साहब, सही लग रहा है। और नवीन पटवाल ले रहा है चश्मा। अब भोलेनाथ के निशान बाहर आ गए हैं, अब जो मुख्य देवता हैं वो भी बाहर लाए जाएंगे अभी।
और मौसम भी आज कुछ इस तरह से बारिश का जैसा बना हुआ है। तो इनको हमारी स्थानीय भाषा में निशान बोलते हैं, तो इनको साड़ियाँ पहना दी गई है। अब जो मुख्य देवता है वो भी आ गए हैं बाहर। ये है महादेव। तो अब भेंट का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा, भक्तगण भेंट चढ़ाएंगे। और ये देखिए बहुत सारी भीड़ एकत्रित हो रखी है, बैसाखी मेला इसके नाम से इसको जाना जाता है। भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और हरियाली वितरण हो रही है, भेंट वगैरह चढ़ रही है, सभी लोग चढ़ा रहे हैं। तो अभी कार्यक्रम शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, तो बने रहें ब्लॉग में।